क्या हुआ, घूर घूर के क्यों देख रहे हो? ये लो, चुड़ैल की आंखें पाई है। साइड कभी दिखता है तुम्हें? अब जब मेरे पति के पास में रावण कुमार वाले 10 सर हो सकते हैं, तो चुड़ैल की आंख तो रखनी पड़ेगी ना। अच्छा, वैसे हमारी फैमिली में किसी को भी याद होगा कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी है आज? अच्छा, अरे जिन्होंने इस उम्र कैद में मुझे फंसाया है वो भूल जाएंगे? तुम्हारे अप्पा और मेरे पापा ने मिलके फंसाया मुझे। लेकिन एक बात कहूं, अच्छा किया जो मुझे फंसा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर सबको याद रह गया ना तो ये समूह सेलिब्रेशन हो जाएगा। आइडिया, वो जो हमेशा करते हैं सुबह सुबह झगड़ा कर लेते हैं। क्यों झगड़ेंगे क्यों? पूरी बात तो सुन लिया करो यार, सच पूछ नहीं नाटक करते हैं कि हम झगड़ रहे हैं और हमें कुछ याद नहीं। But it sounds good actually. हम उनसे झूठ बोलेंगे, खूब लड़ाई करेंगे और हम बोलेंगे हम अपने काम पे जा रहे हैं। Like, मैं क्लिनिक जा रही हूँ, आप ऑफिस जा रहे हो। और अगर उन्होंने एनिवर्सरी का टॉपिक निकाला तो इग्नोर इग्नोर मार देंगे। Superb. Nice. I like it. वैसे एक बात बताओ ना, तुमने क्या प्लान किया? सब्र करो। सब्र नहीं होता, बोलो ना। अरे बोलो ना यार, क्या चाय पीने में लगी हुई हो? कल ना, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी ना? अच्छे लग रहे हो ऐसे इंपेशेंट से। वाह दादी दादू, स्मार्ट पापा के लिए एनिवर्सरी का प्लान। हाँ पुत्र, और ना तू विश ना करी, अच्छा ऐसे एक्टिंग करी जैसे हमें कुछ याद ही नहीं है। हाँ, हाँ, समझ गई। पर मम्मा, अगर उन्होंने विश कर दिया तो, या फिर कोई पार्टी शार्टी रख दी फिर? ओए कुछ नहीं होता, एक्टिंग करी जाओ, कि हमारे लिए तो कोई बड़ी गली नहीं है, हम तो उनजी बड़े बिजी है। अरे पूरी बारात यहाँ बैठी, शुरू हो जाओ। आपको कुछ समझ भी नहीं आता? मैंने आपसे बोला कि तौलिया अपने गले जगह पे मत रखा करो। अरे मेरा सर मत छोड़ो, किसी और जगह सर भरो मत। आप किसी बात को, मैं बात ही नहीं करनी एक्चुअली आपसे। मां इसको बोलो ना यार, बक बक बंद कर रही, मेरी रात को डिनर मीटिंग, मैं घर पे लेट आऊंगा। हां तो मेरी भी 3 सर्जरीज है, मेरे पास भी टाइम नहीं किसी के साथ डिनर पे जाने का। चलो टिफिन रेडी कर देना और नाश्ता तो कर ले पुत्र। अपन अंदर से कुछ पे दिल आ गया, आज हमारी पहली एनिवर्सरी है रमन, बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। मम्मी जी, मैंने बहुत नाटक कर लिया ना आज, आई एम सो सॉरी, माफ कर दीजिए आज के लिए। नीलू टिफिन देना, चलते हो मम्मी जी। ओ पुत्र, मैंने कुछ काम है रास्ते में, मैंने जरा ड्रॉप कर दे अभी। हाँ चलिए ना। अरे अच्छा सिम्मी, मैं चलती हूँ। इशिता पुत्र, मैं क्या के आज जरा अच्छी थी घर आ जाती। मम्मी जी आज तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही मम्मी जी 3 दिन से मैं छुट्टी पे थी, ये अपने गोद भराई के चक्कर में, तो आज तो अंजलि ने बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स लगाए। ओ यार, ऐसा भी की काम कि तुम्हें आज का दिन भी याद नहीं है? याद? आज का दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ मम्मी जी। अब देखिए ना कितना कुड़कुड़ किया आज रमन ने, इतना काम था उसके बाद भी, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ये लीजिए मम्मी जी, ये आ गया मम्मी जी का घर। अच्छा घर आ गया मम्मी दा? ठीक है, थैंक यू तेरा, थैंक यू। मिलती है मम्मी जी। देख के जाए पुत्र है, ध्यान रख। थैंक यू। पम्मी के घर तो जाना भी नहीं सी, फोन की करा तो शी। तेरी भी जिंदगी ना एक ड्रामा ही है, फिर कोई नवा प्लान चल बना लेंगे। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। हम्म,
अंजलि 6 बजे के बाद के मेरे जो भी अपॉइंटमेंट्स हो ना सब कैंसिल कर देना, ठीक है? कुछ लाइन अप मत करना उसके बाद में। एंड वो डॉक्टर बत्रा है आज क्लिनिक में? लवली आती हूँ मैं, हाँ रास्ते में। मेरे रावत कुमार के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना होगा, he totally deserves it. Yes, उस बेली डांसर का नाम सोनिया टिपनेस है, और हाँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए गाड़ी का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, नहीं तो आप टैक्सी पकड़ के आ जाइएगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज आप मुझसे ले लीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको एडवांस मिल जाएगा, बट आप अपना कंफर्मेशन हमें दे दीजिए, ओके? सॉरी डॉक्टर इशिता, वेट करना पड़ा आपको। नहीं नहीं इट्स ओके डॉक्टर, आपके भाई की बैचलर पार्टी है। जी जी, यू कैन अंडरस्टैंड, बॉयज विल बी बॉयज ऑलवेज। बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? एक्चुअली ना मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, वो ऐसे कि आपने बताया था ना आपकी एक इंटीरियर डिजाइनर है जो काफी अच्छी है, उनका नंबर चाहिए था। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, सो आई जस्ट थॉट कि उनका जो कैबिन है वो मैं रीडेकोरेट करवा दूं, जस्ट एज अ गिफ्ट यू नो। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस, ये एक साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। मुझे भी नहीं पता चला। एक मिनट। जी थैंक यू, ये रख लो, सोनिया नाम है उसका। थैंक यू, मैंने आपका रेफरेंस दे दूं? ऑफ कोर्स, वो बहुत अच्छी हैं, यू विल बी वेरी हैप्पी विद द जॉब। थैंक यू। वेलकम। यस टेल मी। हेलो चकरा गए? तुमसे मिलने के लिए आजकल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मुझे। ओहो मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं मिस्टर सीईओ। चलो सब छोड़, तू लाई। अरे यार एक तो मैं सुबह से इतना दौड़ रही हूँ, कम से कम पानी तो पिला दे। ए, मेरी माँ ले, तू पानी पी ले, बता ना तू लाई रिपोर्ट। उफ, रुक, ये ले तेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। इसमें जो लिखा है चिंकी, are you serious? Of course. को इससे अच्छी एनिवर्सरी गिफ्ट तुम्हें दे ही नहीं सकता था। थैंक्स अतन यार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।